अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं क्या नूडल्स। मैं शॉर्ट्स में डाली थी नूडल्स दो तीन वक्त, अब ये फुल बड़ी वीडियो बना रही हूँ। ये नूडल्स है अपने, ये दो क्या बोलते सो दो बन दो दो पैक के, ये क्या होते से उसको उबाल लेना अच्छा, नमक डाल के उसके बाद फिर तेल डाल के रख देना। 5 मिनट उबाल के इसको फिर बाहर निकाल देना, खूब पकाना नहीं, मोटे नहीं करना, डाल के बना देना हो गया। उसके बाद ये तरकारियाँ हैं, गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची को मैं थोड़ा लाइट फ्राई कर ली। ये स्प्रिंग ऑनियन है, दम पे डालना है। ये प्याज है स्प्रिंग ऑनियन, और अंडा है, ये लहसुन है, ये चिकन नूडल्स। ये अंडे के अग नूडल्स बना रहे अपन। ये तेल गरम हो गया, 1 टेबल स्पून ऑयल लेना, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कम करना होगा। अच्छा इसको फेंट लेके नमक डाल के फेंट लेना, फेंट ले डाल दे। इसको थोड़ा तेल डाल के फ्राई कर लेंगे, अंडे को निकाल लेना। चलो 1 टेबल स्पून को ऑयल डालना अपन, अब इसमें लहसुन डाल लेना। लहसुन डाल लेके धीमी आंच पे लहसुन डाल लेना। इसके बाद प्याज डाल लेना, ये हरी प्याज का प्याज रहती वो डाल लेना, नहीं तो एक डली प्याज की डाल लेना। अपन ये प्याज भुने रही अपनी तरकारी, अभी पहले मैं भून थोड़ा वो फ्राई करके रखी थी, फिर इसमें डाल दूँगी। पहले अंडा तले बाद फिर तरकारियाँ फ्राई करना था, मगर मैं पहले फ्राई कर ली थी। अब इसमें नूडल्स डालना। ये पूरे तरकारियाँ तले गए, शिमला मिर्ची, गाजर, पत्ता गोभी तले गए हो गया। अब इसमें ये नूडल्स डाल देने पर, उसके बाद फिर सबको सॉस वॉस डालना। ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाल लेना। अपन ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाल लेना, ये सोया सॉस डाले। इसके बाद विनेगर 2 टेबल स्पून विनेगर डाल लेना। नमक काली मिर्ची का पाउडर। चलो अपन नमक, सोया सॉस, विनेगर, काली मिर्ची और ये क्या बोलते सो नमक, काली मिर्ची का पाउडर और ये काली मिर्ची डाली अपन, और ये ग्रीन चिल्ली सॉस डालना। एक चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, आपको ज़्यादा तेज खाना है तो ज़्यादा भी डाल ले सकते, काली मिर्ची, नमक। ये अब इसमें पूरा नीचे ऊपर करके आपको अंडा मिला लेना। इसमें नीचे ऊपर कर बाद में से अंडा मिलाना, तेज आंच पे रख के फिर आपको बताएंगे पूरा मिक्स करके। चलो अपन ये अंडा डाल लेना, ये अंडा तले को भी मिक्स कर देना। चलो अपना नूडल्स है, ये अपन ये फ्राई नूडल्स मसाला भी डाल सकते। दो चम्मच नूडल्स मसाला डालना। चलिए लाल मिर्ची थोड़ी ऊपर, पाउडर बुरबुरा के नीचे ऊपर करना इसको। लाल मिर्ची का पाउडर भी डालना। दादा काली मिर्ची और हरी चटनी डाले तो मिर्ची का पाउडर डालने की जरूरत नहीं रहती। ये डाल के निचारिए, आखिरी में ये स्प्रिंग ऑनियन है मिला देना ऊपर से। तो
हमारी फ्राइड राइस बनके तैयार है। नीचे पर तेज आंच पे कर लेना, आपको डिशॉप करके बताएंगे। चलो हमारा ये एग नूडल्स बनके तैयार है। ऐसा ना है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़्यादा करिए, अच्छी खुशबारी देखें, बनाइए खाइए, बहुत अच्छे मज़े के बनते घर। सब्सक्राइब ज़्यादा करिए। अल्लाह हाफिज़।